जिला है और उमरगांव में मेरा एक लेयर पोल्ट्री फार्म है और काफ़ी सालों से हम लोग एवन चेनलिंग की जो है वो चेनलिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और इनका सर्विस एफिशिएंसी वगैरह काफ़ी खासा है। एक्चुअली एवन फेंस जो है ना उनकी एक यूनिट जो है वो संजान में है और वो हमारे फार्म से करीबन 10 किलोमीटर पड़ता है। तो हमने किसी ने ऐसे ही थ्रू वर्ड ऑफ माउथ मालूम पड़ा कि यहाँ पे ऐसी यूनिट है जो ये चेनलिंग्स काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चर करती है, तो हमने जाके उनसे फैक्ट्री पर ही मुलाकात करी और वहाँ से फिर आगे का गाइडेंस किया। फर्स्ट हम लोगों ने जो इनके साथ में काम चालू किया वो 2015 में किया था। काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्शन हुआ उसमें और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी, तो हमने इनको फिर एक रिपीट ऑर्डर दिया 2019 में। उसमें भी काफ़ी अच्छा था, इनकी साइज़ क्वालिटी और जो कोटिंग है वो काफ़ी अच्छा है। यही सब को ध्यान में रखते हुए हमने इनको 2023 मतलब ये साल में और एक ऑर्डर दिया है। तो टोटली हमारे 3 यूनिट्स है और 3 यूनिट्स के अंदर A1 चेनलिंग की जो है वो चेनलिंग से। और क्वालिटी में तो ऐसे कोई वेरिएशन है नहीं और सर्विस में भी कोई वेरिएशन नहीं है। इनफैक्ट ऑर्डर देना होता है तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है दिनेश लाड साहब जो अथाल देखते हैं, तो उनको हम कॉल करते हैं तो इमीडिएटली आ जाते हैं वो, और मेजरमेंट्स वगैरह जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी नोट डाउन करके प्रॉम्प्ट डिलीवरी। इनफैक्ट अगर वो 10 दिन का टाइम लेते हैं तो डिलीवरी भी हमें बिफोर टाइम मिल जाती है। इधर भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई जाली का तार निकल गया, आई मीन वो तो आई बी मिश्रो तो कभी हुआ ही नहीं है। और डेफिनेटली हमारे जो दूसरे पोल्ट्री फार्मर्स हैं जो कोई रेफरेंस मांगता है तो हम ज़रूर देते भी हैं, पास्ट में भी दिए हैं और फ्यूचर में भी दिए हैं।